आप देख रहे हैं बीएचपीसी न्यूज। ब्रांड टॉरस यानी कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव का एक हिस्सा बन चुका ब्रांड टॉरस, जिसकी खुद लॉन्चिंग के समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने बधाई देते हुए विनय चौधरी को कहा कि ब्रांड टॉरस अब सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी नाम कमाने वाला है। ये भारत का वो मजबूत हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था के पहिए में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अपने देश के लोगों को रोजगार देने की बात ब्रांड टॉरस कर रहा है, अपने देश का ही सामान इस्तेमाल करने की बात ब्रांड टॉरस जब कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने ब्रांड टॉरस के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। विनय चौधरी जी, सुनील जी, ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है जी, कोई भी सपना केवल रिजोल्यूशन करने से या घोषणा करने से पूरा नहीं होता जी। उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक वो सरकारी सपना सरकारी रह जाएगा। तो मैं ये दोनों युवाओं को धन्यवाद देता हूँ कि मोदी जी का लोकल फॉर वोकल ये कर उन्होंने ये जो नया ब्रांड लॉन्च किया है, निश्चित रूप से टॉरस अपैरल्स को लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, केवल बिजनेस कराना, पैसा कमाना इतना तक ये अपना मर्यादित नहीं है, तो इन्होंने अपने प्रॉफिट का 10% पार्ट शहादत हुए जवानों के घर वालों के लिए जो रखा है, ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। निश्चित रूप से इनका ब्रांड अच्छा चलेगा और इनकी जो सामाजिक दायित्व की भावना है उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यानी कि श्याम जी, अगर बात करें कि भारत की मजबूती में जो सबसे बड़ा अहम रोल निभाते हैं हमारे रक्षक, जो भारतीय सेना बॉर्डर्स पर तैनात रहती है, अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है, उस सीधा कंपनी का जो 10% का हिस्सा उनके पास जाएगा, सेना के लिए क्या संदेश रहेगा आपका यहाँ से आज? यह समय का तकाजा है, हर आदमी ने अपने अर्निंग के साथ साथ समाज का भी सोचना, देश का सोचना और देश के बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का सोचना। ये ट्रेंड लोगों में अभी डेवलप हो रहा है। जब जैसे चाइना पर लोगों ने बायकॉट किया है, लोकल चीजों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इन सब बातों के लिए इस प्रकार के युवा आगे आना चाहिए, लोग इनका स्वागत करेंगे और इनका उद्योग निश्चित रूप से बढ़ेगा। श्याम जी, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की इस वक्त देश में हो रही थी कि अर्थव्यवस्था जो है पटरी से उतर चुकी थी, मानना पड़ेगा इस बात को, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी और उसके बाद अब जमीन पर बातें आने लगी हैं। जिस तरीके से टॉरस खुद अपने आप में एक ब्रांड उभर कर आया है भारत में लोगों के सामने और दुनिया तक इसके प्रोडक्ट पहुंचेंगे, और खुद ही जब ये अपने देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लगभग 150 से 200 लोग इस वक्त इनकी फैक्ट्री में कार्यरत हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि अपने ही लोगों को जब रोजगार मिले? रोजगार की कल्पना केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, लोगों ने उद्योग लगाना, नए लोगों को रोजगार देना और नया नया मार्केट डेवलप होना, ये भी रोजगार की आवश्यकता है। मोदी जी का उस पर ही जोर है। केवल सरकारी नौकरी यानी रोजगार ऐसा नहीं है। और आज हम देख रहे हैं चाइना से वाइंड अप करके अनेक उद्योगपति भारत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, भारत के लोग मेहनत करते हैं, भारत की ईमानदारी और विश्वासार्हता, इसका पूरा देश में, पूरा विश्व में अप्रिशिएट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इनका फ्यूचर ब्राइट है। श्याम जी, आखिरी सवाल कि देश के युवाओं को क्या संदेश रहेगा, क्योंकि विनय चौधरी जी खुद एक उभरते हुए युवा हैं और देश में जो उन्होंने मजबूत नींव जो आज रखी है टॉरस के साथ, और टॉरस को आपने बहुत शुभकामनाएं दी कि दुनिया और देश में ये प्रोडक्ट चलेगा, ये ब्रांड चलेगा, लेकिन विनय चौधरी जी के लिए क्या संदेश, और साथ ही देश के हजारों करोड़ों युवाओं जो इस वक्त बहुत सपने लिए देश में बैठे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? कोई भी बदल, कोई भी परिवर्तन ये युवा ही ला सकते हैं जी। युवाओं की सोच, युवाओं की विजनरी, जो विजन है उसके कारण ही समाज में परिवर्तन आता है।
हम सब लोग जो चाहते हैं कि हमारी लोकल इकोनॉमी आगे जानी चाहिए, लोकल रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, लोगों को अच्छी क्वालिटी की अगर चीजें मिल गई तो लोग विदेशी चीजों पर बायकॉट कर सकते हैं, उसका एक अच्छा प्रयोग इनके कंपनी के माध्यम से हो रहा है। सब युवाओं को मैं यही कहूंगा कि इसी बातों को फॉलो करें तो मोदी जी का सपना पूरा होगा। शाम जी, सरकार के आगे के क्या कदम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है, बहुत चरणों में लॉकडाउन था, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन देश का जो युवा है अभी भी कहीं ना कहीं रस्ते से भटक रहा है। उसको रस्ते पे लाने के लिए और जो चीजें जो बदली थी, अब भारत जो है पूरे तरीके से बदल चुका है, चीजें पहले अलग थी अब अलग है, वर्क फ्रॉम होम है, लोग डिप्रेशन में है, उनके लिए कोई खास बात की लोगों को क्या सोच के और क्या समझ के आगे बढ़ना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके नेतृत्व में देश ने कोरोना के संक्रमण काल से जिस संकट से लोगों से हमने जिस प्रकार की लोगों का धाड़स बंधाया है, लोगों को हिम्मत दी है, और जिस देश में वेंटिलेटर नहीं बन रहा था, मास्क नहीं बन रहा था, पीपीई किट नहीं बन रहा था, दवा नहीं थी, पूरे विश्व में हमने एक मैसेज दिया है, हमारे पास ब्रेन है, सोचने वाले लोग हैं और काम करने वाले हाथ हैं। उन सब का उपयोग करके सरकार ने जिस प्रकार से इस संकट का संकट को सामना दिया है और पूरे विश्व में अपनी एक मिसाल पेश की है कि भारत जैसा इतना घनी पॉपुलेशन वाला देश भी कोरोना से संकट से बाहर आ सकता है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत के नेतृत्व का गौरव हो रहा है। विनय जी, आपसे सवाल होगा कि आप उभरते हुए युवा हैं और फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर श्याम जी ने बताया, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था के घूमते पहिए में आपने बहुत बड़ी मतलब जिस हवा की जो आवश्यकता होती है पहिए को, वो आप लोग हैं? मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे इस टॉरस ब्रांड की जो लॉन्चिंग है, हमारे जो मार्गदर्शन है और मेरे पिता तुल्य हैं जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनके हाथों से हो रहा है, श्याम जी के हाथों से हो रहा है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं विदेश में भी नाम करेगा। हमारे प्रोडक्ट की ये परिकल्पना है कि हम लोग इंडिया के लिए बनाएं और इंडिया में दें और इंडिया के यूथ में वो प्रोडक्ट ईजिली पहुँचे, हमारा ये प्रयास है। और जो हमने मोदी जी का हमारा नारा है वोकल फॉर लोकल पर, उसका हम लोग खास ध्यान में रखते हुए उस नारे को हम साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जब से बना है इसकी नींव हम लोगों के सामने रखी जा रही है। टॉरस ब्रांड बहुत बड़े तरीके से लॉन्च हो चुका है, दुनिया के सामने आ चुका है। अब बात यह है कि भारत का सिर्फ डंका बज नहीं रहा है, दुनिया इस डंके को सुन भी रही है। ये आवाज़ दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर व्यक्ति में और दुनिया के हर प्रशासन सरकारों तक पहुंचेगी और भारत को जो आने वाले समय में जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो बूस्ट होगी आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ, कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी। और युवाओं में जो प्रेरणा का स्रोत है, अभी जिस तरीके से श्याम जाजू जी ने बताया, विनय चौधरी जी ने बताया कि किस तरीके से एक मोटिवेशन जो युवाओं को मिलेगा वो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा और आगे आकर इस नींव को और मजबूत करना होगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ दीपांश, बीएचबीसी न्यूज़ दिल्ली। देख रहे हैं BHBC News।